नमस्कार, सुबह के 11:30 बजने को हैं आपके साथ। मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है शुभ समाचार का। अच्छा करने के लिए बस एक अच्छी सोच की जरूरत होती है। मिसाल के तौर पर सूरत की चार बेटियों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन को दुनिया भर में ले जाने की शुभ पहल की। बाइकिंग क्वींस की टीम मोटरसाइकिल से 4 जून से 10 देशों की यात्रा पर जाएगी। आपको दिखाते हैं दिल्ली से विशाल पांडे की रिपोर्ट। नाम सारिका मेहता, पेशा पर्वतारोही। नाम युग्मा देसाई, पेशा आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिजाइनर। नाम ख्याति देसाई, पेशा एचआर प्रोफेशनल। नाम दुरिया ठपिया, पेशा ट्रेवल एजेंट। देश की इन चार बेटियों का नाम, पेशा, पहचान और शख्सियत यूं तो अलग है, लेकिन इनका मकसद एक है। इनकी मंजिल है दुनिया के 10 देशों में पीएम मोदी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश पहुंचाना। मंगलवार 3 मई को पीएम मोदी ने इन बेटियों से मुलाकात कर इनकी हौसला अफजाई की। सारिका मेहता जी, इंडिया गेट पर हम लोग मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आप लोगों की मुलाकात भी हुई है। क्या पूरी योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के इस मैसेज को लेकर? जो उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यानी ये इतना स्ट्रांग मैसेज है। अगर हम देखने जाए तो सारे हम लोग सेव गर्ल चाइल्ड तो करते हैं, लेकिन उसको लाइन में उसको स्ट्रीम लाइन नहीं दे पाते हैं। तो उन्होंने जो मैसेज दिया था कि पढ़ाइए बेटियों को, पढ़ाइए तो ही आगे ये एक वैल्यू रहेगी, एक रिस्पेक्ट बनी रहेगी फीमेल की, उसके बारे में ही जैसे ही उन्होंने बताया। तो ये पूरा एक प्रोग्राम ऐसा बना है कि पहली बार जैसे इंडिया से ये पूरा रोड रूट ओपन हो रहा है सिंगापुर तक का। दुनिया को बेटियों की अहमियत बताने वाली ये लड़कियां गुजरात के सूरत की हैं। पुरुषों के दखल वाले बाइकिंग स्पोर्ट्स में इन बेटियों का बड़ा नाम है। सूरत की इन बाइकिंग क्वींस ने अपने शौक के जरिए दुनिया को नया संदेश देने का इरादा किया है। 40 दिनों में ये चारों बाइकिंग क्वींस अपने अपने बाइक पर सवार होकर 10 एशियाई देशों का सफर करेगी। 4 जून को सूरत से इनका सफर शुरू होगा। पीएम मोदी ने बीजेपी के विदेश मामलों के हेड विजय चौटिया वाले को यात्रा के समन्वय की जिम्मेदारी दी है। हम अप्रॉक्सी 10 कंट्रीज 10 नेशन को हम क्रॉस करेंगे। हम शुरुआत सूरत से करेंगे एंड फ्लैग ऑफ विल बी फ्रॉम सूरत। देन विल स्टार्ट द राइड फ्रॉम नेपाल, कंटिन्यूइंग टू गुवाहाटी, भूटान, म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर। सो अप्रॉक्सी 10 कंट्रीज है और उसको क्रॉस करने के लिए अप्रॉक्सी 40 डेज विल बी टेकिंग। बाइकिंग क्वींस के सूरत शहर से शुरू होने वाले सफर का पहला पड़ाव होगा नेपाल। इसके बाद ये गुवाहाटी के रास्ते भूटान जाएंगी, फिर म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम होते हुए कंबोडिया पहुंचेंगी। इसके बाद थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर होते हुए ये फिर दिल्ली आएंगी। हमारे फैमिली के लिए तो सब कुछ करते हैं, लेकिन ये जो कोर्स है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए कर रहे हैं तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और वहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के जो मेन गवर्नमेंट में जो कुछ भी है उनके साथ में हम मिलने वाले हैं। तो बाइक पर 10 मुल्कों का सफर कर बेटी बचाने का संदेश देने की इस कोशिश की सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल खुद सारिका मेहता इन टीम को हरी झंडी दिखाएंगी। इस मौके पर नवसारी से बीजेपी सांसद सीआर पाटिल भी मौजूद रहेंगे। 4 जून को सूरत में 5000 बाइकर्स भी सारिका मेहता इन टीम की रवानगी के गवाह बनेंगे। स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री जी इस बात से बेहद खुश थे और उन्होंने उनको पूरा सपोर्ट करने का भी कहा। और ये जो लड़कियां हैं ये पहले से सोशल काम में जुड़ी हुई। एशिया के 10 देशों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देने की इस कोशिश का सूरत शहर के लोगों ने भी स्वागत किया है। बाइकिंग क्वींस के इस मिशन की फंडिंग में सूरत शहर के तमाम समाज सेवी शामिल हैं। इसके अलावा सूरत सिटी से विधायक जनक पटेल लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया करा रहे हैं। भारत सरकार की तरफ से सभी देशों के भारतीय राजदूतों को इस यात्रा की जानकारी भेज दी गई है। विशाल पांडे, जी मीडिया, दिल्ली।